हेलो बच्चों लेट्स ईड द क्वेश्चन हियर द क्वेश्चन सेज द इनफेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम जो ह्यूमन बॉडी को एंटर करती है उसका नाम क्या है स्पोरोजोइट है फीमेल गेमेटोसाइट मेल गेमेटोसाइट है या टोफोजॉइट लेट्स सी द की कांसेप्ट हियर दैट इज व्हाट इज प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल कैसे काम करता है ठीक है तो प्लाज्मोडियम बेसिकली बिलोंग कहाँ से करता है जब भी आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें क्या आता है मोनेरा प्रोटेस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया। प्रोटेस्टा है ये क्या है ये प्रोटेस्टा के अंदर एक आता है प्रोटोजोअन ग्रुप क्या आता है प्रोटोजोअन प्रोटोजोन में भी कौन सा वाला है ये स्पोरोजोअन है स्पोरोजोअन स्पेशली स्पोरोजोअन ठीक है स्पोरोजोन प्रोटोजोन है ये प्लाज्मोडियम ठीक है प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल शुरू होता है इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका वन डिग्री होस्ट कौन सा है और टू डिग्री होस्ट कौन सा है तो प्राइमरी होस्ट जो होता है ना और किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो होता है जिसमें वो करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है जिसमें वो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंडरी कौन सा हो जाएगा जिसमें क्या कर रहा है और रिप्रोडक्शन ठीक है तो फॉर प्लाज्मोडियम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसका वेक्टर होता है फीमेल एनोफिलीज के अंदर इसके अंदर फीमेल एनोफिलीस एनोफिलीस और जो दूसरा है अ रिप्रोडक्शन ये करता है मैन के अंदर ह्यूमन के अंदर ठीक है अब इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है सबसे पहले तो जो वेक्टर होती है इसका फीमेल एनोफिलीस जो होती है मच्छर रही है ये काटती है पहले तो ये बाइट करेगी किसको बाइट करेगी ह्यूमन को बाइट करेगी ये इसने बाइट किया ह्यूमन को ये जैसे ही ह्यूमन को बाइट करती है तो इनके सलाइवा में इनके सलाइवा में क्या होता है स्पोरोजोइट नाइन की इनकी फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की तो ह्यूमन के अंदर क्या आ गया ह्यूमन के अंदर आ गया स्पोरोजोइट इस इसके सलाइवा से आया है फीमेल एनियोफिलिस्ट के सलाइवा से अब क्या होगा ये स्पोरोजोइट कहाँ जाते हैं हमारे लीवर के सेल्स में जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर के सेल्स में पहुंच जाएंगे ये। लीवर के सेल्स में क्या करते हैं ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं यहां पे क्या करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अस्टक्शल रिपोक्शन करा तो हमारा सेकेंडरी होस्ट हो गया ना ये ये सेकेंडरी होस्ट है तभी तो कर रही है यहाँ पे लीवर सेल्स क्या होगा अब एस्ट्रल रिपोर्डक्शन करेगा तो ऑब्वियसली अब इसका नंबर बहुत बढ़ जाएगा स्पोरोजोइट इतने सारे हो जाएंगे तो हमारी जो सेल्स है लीवर की कौन सी सेल्स होती है पेटोसाइट्स होती हैं ये बस्ट होने लग जाएगी बस्ट होगी तो और ज्यादा फैल जाएगा ये इसकी एक और फॉर्म बनेगी जो एंटर करेगी हमारी आरबीसी में कहाँ पे एंटर करेगी आरबीसी में तो आरबीसी में क्या एंटर करता है मीरोज इसकी दूसरी फॉर्म बनती है क्या नाम है उसका मीरोज ठीक है मीरोजोइड बनती है ये आरबीसी में एंटर करेगी आरबीसी में दो काम होते हैं आरबीसी में भी ये पहला काम तो करेगी अ रिप्रोडक्शन ठीक है और इसमें क्या होगा बहुत सारे नंबर में मीरोजॉइड बनेंगे मीरोजोइड में स्पेशल क्या होता है कि ये क्या करते हैं हीमोजोइन रिलीज करते हैं हीमोजोइन होता है ना ये हमें जो सिम्टम्स आते हैं मलेरिया के वो आते हैं इसमें चिल्स एंड फीवर और इससे हमारे आरबीसी बस्ट करने लगेगी क्योंकि आज रिप्रोडक्शन हो रहा है दूसरा क्या करते हैं यहाँ पे ये यह गेमिट्स बनाते हैं क्या बनाते हैं गेमिट्स बनाते हैं मेल गेमिट बनाएंगे और फीमेल गेमिट बनाएंगे देखो यहाँ पे इन्होंने खाली गेमिट प्रोड्यूस करा है फ्यूज नहीं हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान क्या होती है कि वहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होना चाहिए यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं खाली तो मेल गेमिटो साइट मेल एंड फीमेल गेमीटोसाइट बनेंगे यहाँ पे ठीक है तो दो काम हो गए किसके अंदर ये आरबीसी के अंदर हुआ है आरबीसी के अंदर एक ये काम हुआ दूसरा ये काम हुआ अब क्या होगा अब क्या होगा जैसे ही कोई दूसरी फीमेल एनोफिलीज आएगी वो बाइट करेगी इस इंसान को जिसको ऑलरेडी प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट कर चुका है तो इसमें क्या होगा अब ये बाइट करे इसमें इसके अंदर क्या था मेल और फीमेल जो गैमिट gamet है गैमिटोसाइट ये इसके पास चला जाएगा बाइट करने से अब क्या होगा इसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा क्या होगा फ्यूजन ऑफ गैमिट्स तो क्या बनेगा बनेगाट बनेगा और ये जायकोर्ट कहां बनता है गट में किसकी गट में बन रहा है फीमेल एनोफिलिस की गट में बन रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ है यहां पे हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमिट्स पहचान होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ठीक है अब बस बन गया अब इसकी स्पोरजोइट फॉर्म बनेगी वो कहाँ जाएगी इसके सलाइवा में चली जाएगी ठीक है अब ये फिर से किसी और को बाइट करेगी वही वाला साइकिल चल जाएगा फिर से जो मैंने पीछे बताया आपको ठीक है वही वाला साइकिल चलेगा बाइट करेगी फिर वही वाला स्पोरोजोइट जो है वो लीवर के सेल्स में जाएंगे फिर लीवर सेल्स बस्ट करेगी फिर से आरबीसी में जाएगा मीरोजॉइट के तौर पर इस तरह से काम चलेगा तो यहां पे हमसे क्या पूछा है इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी जब भी एंटर करती है तो स्पोरोजोइट की फॉर्म में होता है प्लाज्मोडियम और जब भी पूछे आपसे कि आरबीसी में क्या होता है तो आरबीसी में हमेशा मीरोजोइट की फॉर्म में एंटर करती है ह्यूमन की बॉडी में एंटर करेगी तो स्पोरोजोइट ठीक है तो यहां पे पहला ऑप्शन हमारा क्या है स्पोरोजोइट दैट इज करेक्ट फीमेल केमिटोसाइड तो कहाँ बनता है आरबीसी के अंदर बनता है ठीक है तो ये तो गलत हो गया और मेल केमीटोसाइड भी हमारा आरबीसी के अंदर बनता है ये भी गलत हो गया जो होते हैं तो ये एक्टिवेटिंग फीडिंग स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की फीडिंग स्टेज होती है ये ह्यूमन की बॉडी में कभी भी टोफोजोइ के रूप में एंटर नहीं करेगा ये इनकी फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम की ये स्पोरोजोइट के रूप में एंटर करते हैं और आरबीसी में एंटर करते हैं तो क्या बोलेंगे मीरोजोइड ये भी गलत हो गया सो आंसर इज ए एल द करेक्ट आंसर होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल बेस्ट ऑफ लक